हर महीना जो आपको प्रोत्साहन राशि मिलती होगी, किसी को मानधन मिलता होगा, कोई मानदेय मिलता होगा, केंद्र का जो हिस्सा है उसमें बढ़ोतरी करने का हमने निर्णय किया। आशा कार्यकर्ताओं और उनकी सहायिकाओं हेल्पर को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बुरी खबर निकल कर आ रही है। आप लोगों के वेतन को अब नहीं बढ़ाया जाएगा। आप लोग जिस परिस्थिति में हैं उसी परिस्थिति में सरकार आप लोगों को रखेगी और आपका एक पैसा भी वेतन बढ़ाने का जो है कि फाइल अब आगे नहीं बढ़ रहा है। सारे फाइल वापस कर दिए गए हैं। इसके पीछे क्या कारण बताया जा रहा है वह भी हम आपको बता रहे हैं। सारा फाइल हम लोगों ने कलेक्ट करवा कर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एनएम रसोईया के फाइल को केंद्र की मोदी कैबिनेट में भेजवाने का काम किया ताकि केंद्र की मोदी सरकार उस पर मुहर लगाकर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एनएम रसोईया के वेतन को वृद्धि कर दे। लेकिन केंद्र सरकार बहुत शातिर निकली और केंद्र सरकार ने विजिलेंस अप्लाई कर दिया और विजिलेंस को जो है कि जाँच का जिम्मा सौंपा गया कि आखिर इन लोगों की कार्य प्रणाली क्या है। और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम रसोईया के संबंध में विजिलेंस का रिपोर्ट मांगा केंद्र सरकार। वेतन वृद्धि के पूर्व आपको बताते चले कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का जो है कि प्राथमिक शिक्षक के पद पर समायोजन होना था। महिलाओं को जो है कि प्राथमिक शिक्षक के रूप में समायोजित कर इनके वेतन को जो है कि शिक्षकों की भांति वृद्धि करने का सारा प्रस्ताव केंद्र की मोदी सरकार में लंबित थी, तैयार कर दिए गए थे फाइल। उस पर जो है कि महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय का आदेश हो चुका था, वित्त विभाग की मंजूरी हो चुकी थी, विधि विभाग की मंजूरी हो चुकी थी और उसके बाद जो है कि महाधिवक्ता से राय लेकर एक नियमावली और नियम बनाए जा रहे थे कि किस प्रकार महिलाओं को जो है कि प्राथमिक शिक्षक के पद पर समायोजित कर इनको जो है कि जो महिलाएं आंगनबाड़ी में कार्य करती हैं उनको जो है कि शिक्षक के प्राथमिक शिक्षक के पद पर समायोजित करने की विचार चल रही थी। इसी बीच महिलाओं के वेतन वृद्धि के पूर्व सरकार का जो एक प्रक्रिया होता है, एक रूटीन होता है, उस रूटीन चेकअप के तहत महिलाओं के कार्यकलापों का, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मियों का ब्यौरा सरकार ने निकलवाने हेतु जो है कि विजिलेंस अप्लाई कर दिया और विजिलेंस का रिपोर्ट इतना खराब गया है, इतना जो है कि घटिया रिपोर्ट विजिलेंस का चला गया है कि अब वेतन वृद्धि तो भूल ही जाइए। जिनको कोई जानकारी नहीं है, कुछ चैनल वाले अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, बिना जाने जो है कि महिलाओं को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन वेतन बढ़ाने की बात, दिन प्रतिदिन उनको जो है कि सेवा स्थायी और वेतनमान की बात का खबर चैनल से चला रहे हैं, इसका जो है कि कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि उनको कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट या केंद्र सरकार से कोई वार्ता होती ही नहीं है। वे लोग घर पर बैठकर जो है कि अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, ऐसे वीडियो से बचने का काम करें। तो विजिलेंस की रिपोर्ट क्या गई है वह हम आपको बता देते हैं। हालांकि हम लोग लगे हुए हैं, केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का जो है कि समायोजन प्राथमिक शिक्षक के पद पर करवा कर इनको जो है कि प्राथमिक शिक्षक घोषित करवाएं, साथ ही साथ इनको जो है कि एक न्यूनतम वेतन मान दिलवाएं, आशा कर्मियों को जो है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता से निकाल कर संविदा कर्मी के रूप में मान्यता दिलवाकर एक न्यूनतम मानदेय की दर पूरे देश में लागू करवाएं। किंतु जो है कि इसमें सबसे बड़ा जो है कि अड़चन विजिलेंस का वह रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाएँ पोषाहार की राशि का दुरुपयोग और घोटाला करती हैं, टेक होम राशन वितरण में भारी अनियमितता बरती जाती है और घपला किया जाता है और सारी राशि को सेविका और सहायिका मिलकर डकार लेने का काम करती है। यह जो है कि विजिलेंस का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के खिलाफ हम लोग जो है कि आंदोलन करने जा रहे हैं। महिलाओं का जो है कि इतना बड़ा जो है कि आरोप विजिलेंस के जो है कि रिपोर्ट में गया, हालांकि 100% यह सही नहीं है।
बहुत सारे जो है कि आंगनबाड़ी केंद्र सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं और उसमें जो है कि टेक होम राशन से लेकर पोषाहार तक और तमाम तरह के पोषाहार का वितरण नियमित रूप से किया जा रहा है। बच्चों की उपस्थिति भी 100% है, किंतु कुछ महिलाओं के द्वारा जो है कि गड़बड़ी तो हर विभाग में होती है और उसी को आधार बनाकर विजिलेंस ने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी और जो है कि जीविका एनएम रसोईया के खिलाफ में अपना प्रतिवेदन केंद्र को प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसे झल्ला कर केंद्रीय मंत्रियों ने तमाम फाइलों को वापस करने का निर्देश, दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है और फाइल वापस हो गए हैं। और दुखद खबर यह है कि महिलाओं के वेतन वृद्धि का प्रस्ताव अभी तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है, जिस पर अंतिम निर्णय होना था, जिसमें जीविका एएनएम रसोईया आशा कर्मियों के बारे में रिपोर्ट चला गया है कि गर्भवती महिलाओं का जो है कि शोषण करती हैं, और साथ ही साथ यह भी चला गया है कि एएनएम और जीविका के लोग जो है कि अनियमितता में शामिल है, इसलिए इन महिलाओं के वेतन वृद्धि को तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार ने स्थगित कर फाइल को ठंडे बस्ते में भेजने का काम किया है। और यह जो है कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ही जो है कि खबर अत्यंत आवश्यक है, फिर भी कुछ चैनल जो है कि इस खबर से अनजान है, उनको जानकारी नहीं है, केंद्र के संपर्क में नहीं है, जिसकी वजह से जो है कि दिखा रहे हैं कि वेतन बढ़ गया, मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा, 50,000 वेतन हो जाएगा, यह सब कुछ स्थगित कर दिया है। हमने आपको बताया कि महिलाओं का वेतन वृद्धि होना था, उसके लिए सारे फाइल तैयार किए गए थे, कैबिनेट की मंजूरी होनी थी और उसके लिए जो है कि विधि विभाग, वित्त विभाग, महाधिवक्ता की राय लेकर एक नियमावली संगठित की जा रही थी। इसी बीच जो है कि विजिलेंस का रिपोर्ट जो है कि बहुत गलत गया है और इसको जो है कि रद्दी के टोकरी में रखने का काम केंद्र सरकार ने कर दिया है। वेतन वृद्धि तो महिलाएं भूल ही जाए, उनके नौकरी पर भी बनी हुई है और इस सब के सुधार के लिए हम जो है कि केंद्र सरकार के, केंद्र के मोदी सरकार के संपर्क में हैं और हमारे कहने पर और हमारी जो स्थानीय अपने चैनल की रिपोर्ट है उसके आधार पर जो है कि हम लोग खबर चला रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं और कोशिश यह रहेगी कि महिलाओं के वेतन वृद्धि को जो है कि फाइल को फिर से खुलवा कर और केंद्र सरकार के विजिलेंस के रिपोर्ट को जो है कि रद्दी की टोकरी में डलवाने का काम करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपने भविष्य के प्रति यदि थोड़ा भी गंभीर हैं तो चैनल पर लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और लगातार तमाम वीडियो को देखने का काम कीजिए, अन्यथा नहीं देखिएगा तो वेतन वृद्धि भूल ही जाइए, क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा तब तक कुछ संभव नहीं है, क्योंकि विजिलेंस का रिपोर्ट सीधा सीधा आप लोगों के खिलाफ में केंद्र के सरकार के पास पहुंच चुकी है। अब फैसला आपके हाथ में है कि चैनल पर बने रहिएगा, अपना जो है कि फाइल आगे बढ़वाइएगा या जो है कि रद्दी के टोकरी में डलवाइएगा, यह जो है कि आपके जिम्मे है। आप यदि चाहते हैं कि आपका वेतन बढ़े तो लगातार वीडियो को वॉच कीजिए, 2-3 वीडियो को लगातार वॉच कीजिए। हम जो है कि केंद्र के संपर्क में हैं, हमारी वार्ता केंद्रीय सरकार से होती है और हम आप लोगों का वेतन बढ़वाने का काम करेंगे। बाकी के जो लोग आपको आशा दे रहे हैं, आपको जो बता रहे हैं वह बिल्कुल गलत है, निराधार है, तथ्यहीन है, उसका वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं है। सारी बातें हमने आपको बता दी, फैसला आपके हाथों है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को वॉच कीजिएगा तो आपका जो है वेतन हम बढ़वा देंगे। हम